हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमितराज शर्मा। आज की वीडियो का जो श्रेय है वो इसे कमेंट को जाता है। श्रीमान जी, आपके इस प्रश्न के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के सेविंग सुरक्षा प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। आपका कहना है कि आपके पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का सेविंग सुरक्षा प्लान है, जहां पे आप मासिक 3,000 रुपए का किस्त पे कर रहे हैं और पॉलिसी टर्म जो है वो 10 साल का है और प्रीमियम पेमेंट टर्म भी 10 साल का ही आपने लिया है। यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म है उतने साल आप लगातार प्रीमियम पे करेंगे और आप जानना चाहते हैं कि एंड में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इस कमेंट से यहां पे क्लियर हो गया। आज हम इस प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट को समझ रहे हैं कमेंट के अनुसार। बाकी आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सेविंग सुरक्षा प्लान के डेथ बेनिफिट को भी समझना चाहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी के साथ, तो वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएगी और इस वीडियो का जो लिंक है वो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उन्होंने कमेंट किया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे एक वीडियो आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार लगातार लाते हैं, तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। अब जैसे कि प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट जानने के लिए हमें कुछ जानकारी चाहिए होती है, जैसे कि आयु, कि प्लान लेते वक्त आयु क्या रही होगी। इन्होंने हमें नहीं बताया तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि श्रीमान ए हैं, 30 साल की उम्र रही होगी और वो अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति होंगे जब उन्होंने ये प्लान लिया होगा। सम अशोर्ड भी हमें नहीं पता है, लेकिन प्लान की कंडीशंस के अनुसार जो सम अशोर्ड होता है वो सालाना बेसिक प्रीमियम का 10 गुना होता है। 3,000 रुपए के हिसाब से साल का 36,000 रुपए का प्रीमियम हो गया, उसमें 10 का गुणा कर देंगे तो 360,000 रुपए का यहाँ पे सम अशोर्ड हो गया। इस प्लान में पॉलिसी के पहले 5 साल आपको गारंटेड एडिशन मिलता है। अब जो गारंटेड एडिशन की जो कैलकुलेशन है वो गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट पे होती है। तो उदाहरण के अनुसार जो गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट है वो 2,67,633 रुपए का आता है और इसकी जानकारी पॉलिसी बॉन्ड में लिखी होती है। और गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में प्लान कहता है कि ये निर्भर करता है कि जब आप प्लान लेते हैं आपका पॉलिसी टर्म क्या है, प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या है, सम अशोर्ड ऑन डेथ आपने कितना लिया है, जेंडर क्या है, उसी के हिसाब से गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट जो है डिसाइड किया जाता है, यानी कि निश्चित किया जाता है जब आप प्लान लेते हैं और आपको समय बता दिया जाता है। और गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट जो है वो सम अशोर्ड ऑन डेथ यानी कि जो आपका बेस सम अशोर्ड है उससे कम हो सकता है, राइट। तो पॉलिसी के पहले 5 साल हमें गारंटेड एडिशन मिलता है जिसकी कैलकुलेशन गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट पे होगी। तो ऐसे में जो गारंटेड एडिशन रेट अप्लाई होगा वो 5% का अप्लाई होगा इस प्लान में। तो पहले 5 साल में जो गारंटेड एडिशन इकट्ठा हो जाएगा वो होगा 2,67,633 रुपए का 5% हम निकालेंगे। अब पहले 5 साल मिलेगा तो इसमें हम 5 का भी गुणा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हर साल 13,381.65 रुपए की दर से हमें मिलेगा, जो कि टोटल हो जाएगा 66,908.25 रुपए क्या अक्योर्ड गारंटेड एडिशन पहले 5 साल में। अब मैच्योरिटी में हमें क्या मिलना है, मैच्योरिटी में हमें मिलना है गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट जो हमें पता है, अक्योर्ड गारंटेड एडिशन जो कि हमने निकाल लिया। अब बात आती है यहाँ पे वेस्टेज रिवर्सनरी बोनस। अब ये जो वेस्टेज रिवर्सनरी बोनस है इसको आप सिंपल रिवर्सनरी बोनस भी कह सकते हैं, जो कि कंपाउंड वेस्ट पे मिलता है और इसी के साथ में टर्मिनल बोनस। तब हमें यहाँ पे 2 चीज और जाननी है। बोनस का जो रेट है पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पे है वो 1.5% से लेकर के 2.25% के बीच में रहा है, तो हम यहाँ पे 1.75% का बोनस रेट मान रहे हैं, अज्यूम बोनस रेट, जो कि जिससे कि एक एवरेज निकल के आ जाए। हम यहाँ पे एक एवरेज रेट कितना मान रहे हैं, 1.75%। प्लान कहता है कि जो बोनस है उसकी कैलकुलेशन गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट पे की जाएगी। तो पॉलिसी के पहले साल के अंत में 2,67,133 रुपए का 1.75% आप निकालेंगे तो 4,683.58 रुपए का यहाँ पे बोनस हो जाएगा। अब ये 4,683.58 रुपए का आप 2,67,633 रुपए में जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। जब आप इस अमाउंट को जोड़ देंगे और पॉलिसी का जो सेकंड ईयर एंड होगा वहाँ पे जो जोड़ने के बाद अमाउंट आ जाएगा वो 2,72,316.58 रुपए होगा। इसका आप निकाल लेंगे 1.75%, तो 4,765.54 रुपए का ये अमाउंट हो जाएगा सेकंड ईयर के एंड में बोनस का। तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेशन करते रहेंगे कंपाउंड बेसिस पे तो जो अक्योर्ड वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस है वो 50,507.47 रुपए का होगा। तो हमें यहाँ पे वेस्टेज रिवर्सनरी बोनस भी पता लग गया, राइट। अब हमें बात करनी है यहाँ पे टर्मिनल बोनस की। तो टर्मिनल बोनस का जो रेट है वो 15.50% का है। अब इसकी भी कैलकुलेशन गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट पे हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि वेस्टेज सिंपल रिवर्सनर की जो बोनस की जो कैलकुलेशन है वो भी इसी पे हुई है।
तो हम 15.50% निकालेंगे 2,67,633 रुपए का, तो 41,483 रुपए 16 पैसे के आसपास ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, बाकी बोनस रेट आपको खुद चेक करने हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे मेच्योरिटी बेनिफिट क्या होगा, गारंटेड मेच्योरिटी बेनिफिट 2,67,633 रुपए, उसके साथ अक्योर्ड गारंटेड एडिशन 66,908 रुपए 25 पैसे, उसके साथ में वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस जो की 50,701 रुपए 47 पैसे, उसके साथ में टर्मिनल बोनस 41,483 रुपए 16 पैसे के आसपास इसको मान सकते हैं। मेच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे शो होगा इस तरीके से 4,26,725 रुपए 83 पैसे। राइट, तो इस तरीके से आप मेच्योरिटी बेनिफिट की कैलकुलेशन करेंगे। बाकी और चीजें आपको इस प्लान के बारे में जाननी है तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको वही वीडियो देखना होगा क्योंकि सेम चीज रिपीट करने से आपका ही समय यहाँ पे खराब होता है। राइट, तो श्रीमान जी आप अपना पॉलिसी बॉन्ड चेक कीजिएगा, उसमें देखिएगा कि गारंटेड मेच्योरिटी बेनिफिट क्या, उसके अनुसार आप इस एग्जांपल को अप्लाई कर दीजिएगा। धन्यवाद, आप सभी ने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। और चैनल पे अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन क्लियर लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, आप किस प्लान के बारे में जानना चाहते हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना पॉलिसी ना लें। राइट।